हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हर दिन कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को मिले। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कौन सा डेज है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? शांतनु। ओके, कौन सा डेज है? सेकेंड डे। फर्स्ट डे कैसा लगा आपको कल? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मतलब चलाने में जो चीजें मैंने आपको जो चीजें गाइड करी वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज इनका सेकंड डे, क्या सीखते हैं और क्या चलाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड। अभी हम लोग हैं अलीगंज के अंदर और यहाँ पे रोडे बहुत चौड़ी चौड़ी है और भाई चलाता भी बहुत अच्छा है, बहुत ही गजब का। आज जिधर आपका मन करे उधर ले जाओ। दोस्तों, अभी हम लोग फाइनली कुर्सी रोड की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ से आपको जिस साइड जाना है उस साइड आप चले, हल्का रेस के साथ। गुड गुड, पीछे जा रही है रेस के साथ, वेरी गुड, हाफ क्लच पे। वाओ, बहुत बढ़िया। देखा, यहाँ पे स्लोपिंग थी और गाड़ी पीछे हल्की सी जाने लगी थी, बट इन्होंने हाफ क्लच पे उसको कंट्रोल कर लिया और बहुत आराम से गाड़ी निकल गई। नहीं तो कई बार क्या होता है, 2-3 बार गाड़ी बंद होती स्टूडेंट से ऐसी स्लोपिंग पे। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जो गियर डालो ना उसकी स्पीड होनी ज़रूरी है। स्पीड कम होगी, गियर बढ़ाओगे तो गाड़ी जर्किंग करने लगती है। जैसे अभी आपने थर्ड गियर थोड़ा पहले डाल दिया, थोड़ा सा स्पीड और मेंटेन करके डालते तो दिक्कत नहीं आती। ऐसे रोडों पे, सिंगल रोडों पे चलाना भाई बहुत टफ होता है और बहुत बिजी रोड होता है। ऐसे में निकालना, और मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ना ही मैं कल कंट्रोल कर रहा था ना ही आज कंट्रोल कर रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही जल्दी, कम समय में बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, कंट्रोलिंग बहुत अच्छा आ जाता है। आपके पास कौन सी कार है अभी? मुझे कार लेना है। कौन सी ले रहे हो? नेक्स्ट मंथ स्कोडा स्लाविया। ओह वेरी गुड, बहुत गजब की, नाइस कार, बहुत, उससे अच्छी तो गाड़ी ही नहीं है कोई भाई। एक राइड उस पर भी देंगे आपको जी, जबरदस्त। सो गाइस, जैसे कि ये डिवाइडर रोड है तो इस पर चलाना आसान है क्योंकि इस पर सामने से कोई खतरा नहीं होता है, और सिंगल रोड होता है तो उस पर सामने से भी खतरा होता है। कई बार क्या होता है, सामने वाला अगर ओवरटेक कर रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो गाड़ी भिड़ने के चांसेस होते हैं, तो वैसे में थोड़ा सिंगल रोड पर चलाना टफ होता है और डिवाइडर रोड पर चलाना आसान होता है। आज हम लोग चलेंगे यहाँ से राइट ले लो कपूरथला होते हुए और IT होते हुए निषादगंज होते हुए निकल आएंगे, सही रहेगा ना रोड? बहुत अच्छा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक में चलाओगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान रखना मैडम का, चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। हाँ। देखा, फ्लाइट लैंड होने जा रही थी एकदम, हजारों स्विच जला के भूल गई है वो। ऐसे रोडों पे, जैसे कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है, तो ऐसे में भगाना नहीं है वरना कार का सस्पेंशन ख़राब हो जाएगा, और बहुत आराम से निकालना है, बहुत ही आराम से। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड पर और भाई का स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका जो आप देख रहे हैं, कितना लाइटली इन्होंने पकड़ रखा है, बहुत ही हल्के हाथों से। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं जैसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, स्टीयरिंग कितने अच्छे से स्मूथ कंट्रोल हो पा रहा है, एकदम बहुत ही लाइट ही पकड़ रखा। और पैरों का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, कैसे पैरों में गैप बना रखा है इन्होंने, जैसे अक्सर लोग आपस में ये दोनों पैर मिला लेते हैं, चिपका लेते हैं, वो नहीं, हमेशा गैपिंग होनी चाहिए ताकि आसानी से आप एक्सेलेटर टू ब्रेक और ब्रेक टू एक्सेलेटर को कंट्रोल कर सकें। और लेफ्ट, यहीं से लेफ्ट, और लेफ्ट वाला तो क्लच के लिए ऑलरेडी होता ही है। गुड, ओ वेरी गुड। अब यहाँ पे हल्का स्लोपिंग थी, इन्होंने हाफ क्लच पे कार को कंट्रोल कर लिया, हाफ क्लच इन्होंने दबा लिया था और हल्का सा एक्सेलेटर ले लिया, जिससे कि कार सेकंड गियर में बंद भी नहीं हुई और भागी भी नहीं और आसानी से कंट्रोल हो गई। कार को उठाते टाइम फर्स्ट गियर में हमें हाफ क्लच पे कार को कंट्रोल करना होता है, उसके बाद फिर आप पूरा क्लच रिलीज करके धीरे धीरे, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए अगर सेकंड गियर में आप नहीं गियर चेंज करना चाहते तो हाफ क्लच लेके हल्का सा ब्रेक लेके कार को निकाल सकते हैं सेकंड गियर में भी। फर्स्ट गियर वहाँ के लिए होता है जहाँ पर गाड़ी को प्रॉपर आपने रोक दिया है, उसके बाद वापस उसको मूव करना है, फिर फर्स्ट गियर में कार को बढ़ाना होता है। जैसे इधर चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, लेफ्ट से भी राइट से भी, देखा ऑल्ट वाले को, अभी साइकिल वाले को बचाया उसने, साइकिल वाले अंकल जी का पैर गया था जिस तरीके से उसने टर्न किया सामने, ये 9322।
जाने दो, बढ़ा लो स्पीड। सो गाइस देखो कितना ऊंचा ब्रेकर है, और यहाँ पे थर्ड गियर में इन्होंने क्या करा, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला इन्हें, इन्होंने अपने आप क्लच दबाया और सेकंड गियर कर लिया, और गाड़ी की इतनी कम स्पीड हो गई थी। अभी आगे से हमें राइट जाना है, देखो सामने क्रेटा वाला बैक कर रहा है। सिग्नल दे दिया आपने राइट का, और वेरी गुड, देखो अपने आप इन्होंने गियर चेंज कर लिया, और राइट वाला पैर इनका ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक पे आ गया। और देखो कितना इन्होंने कर्व लेके काटा है, हमेशा गाड़ी ऐसे लेफ्ट दबा के काटनी चाहिए ताकि सामने से जो भी गाड़ी आ रही हो ना तो उसके लिए दिक्कत ना हो। कुछ लोग पूरा राइट दबा के काटते हैं जिससे कि सामने वाले की जगह आप कवर्ड कर लेते हो तो सामने वाला कहाँ जाएगा। सारा नज़रों का खेल होता है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहोगे उतना अच्छा कार को कंट्रोल कर पाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चौराहे से हम लोग लेफ्ट चलेंगे, फिर आईटी होते हुए निराला नगर होते हुए आईटी चौराहे से निषादगंज, फिर वापस आ जाएंगे। रूट भी बहुत अच्छा रहेगा, हाँ ट्रैफिक भी अच्छा खासा रहता है यहाँ पे। लॉन्ग हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, बाइक वाइक वालों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये कब फुदक के लेफ्ट आ जाए कब राइट आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जब कार चलाओगे तब पता चलता है कि कितनी दिक्कत होती है। हम भी बाइक चलाते हैं तो हम भी ऐसे ही चलाते हैं, लेकिन जब कार में बैठो तब पता चलता है कि कैसे बचाना पड़ता है। क्योंकि जिसकी छोटी गाड़ी होती है वो कोशिश करता है मैं फटाफट निकल जाऊं। यहाँ से लेफ्ट आराम से, हाँ गुड, वेरी गुड, स्पीड कम, लेफ्ट जाना है। सो गाइस इन सब रोडों पे अगर आपने कार चला लिया तो आप कहीं भी, देखो बाइक वाला घुस रहा था ज़बरदस्ती, गाड़ी इतनी स्लो थी उसके बाद भी घुस रहा था वो, क्या कर सकते हो किसी को। अपनी गाड़ी कंट्रोल करके चलाइए, बाकी तो सब बचते रहेंगे ऐसे ही। दोस्तों मेरा कोई क्लच ब्रेक पे पैर नहीं होता, ना ही मैं रखना चाहता हूँ, पूरा कंट्रोल भाई का है। और अभी इन्होंने जितनी देर से गाड़ी निकाली एक बार भी मैंने स्टीयरिंग पकड़ी नहीं, क्लच पकड़ा, गियर पकड़ा, कुछ भी नहीं ना, बस मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं आप, और ध्यान रखिए चारों तरफ से। देखो भाई ने अपने आप गियर चेंज कर लिया, ज़बरदस्त, राइट से रिक्शा आ रहा था सामने, निशान निकल के गई सनी स्पीड से। कंट्रोलिंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी कंट्रोलिंग है। अभी सीधा हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे। गुड, ऐसे रोडों में क्या है ना, थोड़ा सा हमें अपना राइट दबा के चलना होता था कि जो भी जाना है लेफ्ट से चला, अगर बहुत ज़्यादा स्लो चलना है हमें तो हम लेफ्ट में रखेंगे अपनी कार। गुड, लेफ्ट दबा के आराम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखा बाइक वाले को घुस गया था अभी दोनों के बीच में, है बाइक और उसके दोनों के बीच में घुस गया था, जाने दो। सीधा हमें फ्लाईओवर पे चढ़ जाना है, देखो सामने से जहाँ पे कट हुआ करे ना वहाँ एकदम अलर्ट हो जाए करो, हालांकि आपका कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है नो डाउट। ये जो वाइट लाइन राइट में बनी है ना इसको क्रॉस नहीं करना है, डिवाइडर से और जो एक वाइट लाइन बनी है बीच में जो एक फिट का गैप है इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। ये स्पेस के लिए होता है कि हमारी गाड़ी जो नीचे से कई बार लेग गार्ड वगैरह लगे होते हैं ना फुट रेस्ट, उनके लिए होती है, चिपके ना, बढ़ा लो स्पीड, जाने दो, गुड, बढ़ाओ रेस करो स्पीड, बढ़ा लो, गुड, थोड़ा रेस करके, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब।
जो लोग बहुत ही अच्छा चलाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, मैं उनको एक एक घंटे का समय दे के 7 दिनों में कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि उनके डेज कम हो जाए, हॉर्स बढ़ जाए। तो उसमें होता है क्या है कि इनको लंबा 1 घंटा या 20 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर हो गया तो क्लास कंप्लीट, या 1 घंटा हो गया तो क्लास कंप्लीट, दोनों में से जो पहले हो जाए। और जिस तरीके से ये चला रहे हैं उस तरीके से हमको लग रहा है आधे घंटे में इनका 20 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है। ऐसे में पासिंग डिपर यूज़ किया करिए, पासिंग डिपर पता है ना, ऊपर की तरफ, गुड। हाँ, क्योंकि इस पर डिवाइडर तो है नहीं, सामने से गाड़ी अगर तेजी से कोई आ रही ओवरटेक करने के चक्कर में तो भिड़ा सकता है। दोस्तों अभी हम हैं निराला नगर में और यहाँ से जा रहे हैं आईटी के लिए। आईटी होते हुए निषादगंज होते हुए फिर महानगर होते हुए फिर वापस लौटेंगे। अगली रेड लाइट से सीधे जाना हम लोग को। गियर डाउन कर लीजिए, लेफ्ट से निकालो जिधर से ऑटो निकला है। चारों तरफ नजर देख के ध्यान से, यहाँ क्योंकि चौराहे पे कई बार लाइट खराब होती है ना, तो लोग बस ये सोचते कि निकल लो, और जो समझदार है वो चारों तरफ देख के निकलता है, जो नहीं तो फिर वो भिड़ा देता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।